नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया का ये एग्ज़ाम पेपर है, फर्स्ट क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो आइए देख लेते हैं पेपर किस तरीके का है। तो देखो, जो पहले हेडिंग दी हुई है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है, और 200 शब्दों में आपको लिखना है। जो लघु हैं और दीर्घ जो उत्तरीय हैं वो 500 शब्दों में आपको लिखनी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसके आपको सभी पार्ट्स करने हैं और ये 5 है, 2 अंक का 1 है, यानी 10 नंबर के आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द हैमिल्टोनियन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के लिए आपको हैमिल्टोनियन बताना है, तो ये हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन इक्वेशन के एप्लीकेशंस में मैंने कराया था। तो कंपाउंड पेंडुलम की है ना इक्वेशन हैमिल्टन वाली आपको करनी है ये, ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड निकालते थे और फ्रीक्वेंसी। नंबर सी में आपसे पूछा है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो डिफाइन सेंट्रल फोर्स, है ना, ये आसान क्वेश्चन है। नंबर फोर्थ है आपका, माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होते हैं, उनमें अंतर आपको बताना है। तो एक पैराग्राफ में आपको माइक्रो कैनोनिकल बता देना है और एक आपको कैनोनिकल बता देना है दूसरे पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स पर, है ना। तो ये शायद यूनिवर्सिटी का इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, ये बाकी जो नॉर्मल सिलेबस हमने पढ़ाया उसके अंतर्गत ये नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये आपके वेरी शॉर्ट थे, और इसके बाद शॉर्ट पे आते हैं। यूनिट फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टेट डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल क्या है। और नंबर सेकंड आपसे पूछा है, दो में से एक करना है, सेकंड कर लो या थर्ड कर लो। थर्ड है आपसे, व्हाट इज हैमिल्टोनियन फंक्शन, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, है ना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दो में से एक करना है, आसान क्वेश्चन है दोनों। यूनिट सेकंड में आते हैं, इसमें भी दो में से एक करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन जो है ना वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इक्वल होता है, ये तो सीसीएसयू में भी आया था, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, हैमिल्टोनियन के एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। और में करके जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन का जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो आपको स्टेटमेंट भी देना है और उसका प्रूफ भी करना है, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस भी बता देने हैं, ठीक है। फिर थर्ड में आपसे क्या कहा, फेज स्पेस क्या होता है, थर्ड यूनिट का जो सिक्स क्वेश्चन है, तो फेज स्पेस क्या होता है बताना है। मिनिमम साइज ऑफ फेज सेल, फेज सेल का मिनिमम साइज क्या है और पर्पज़ क्या है डिवाइडिंग फेज स्पेस इंटू फेज सेल, फेज स्पेस को फेज सेल में डिवाइड करने का पर्पज़ क्या है। तो ये मैंने करा रखा है कि डिवाइडिंग ऑफ फेज स्पेस इंटू फेज सेल, ये वही वाला करके आना है, ठीक है। और सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहा, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी, और करके दे रखा है, ये बहुत अच्छा है ना इसका तरीका है यूनिवर्सिटी का, कि दो में से एक करना होता है हर यूनिट में, है ना। देखो प्रिंसिपल पूछा है इक्वली प्रायरी का, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बताता है। और ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द वेरियस एनर्जी स्टेट्स, तो ये इस तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन। और फिर इसके बाद जो एट्थ क्वेश्चन है वो मैक्सवेल बोल्ट्समैन का लॉ बताना है डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो मैंने बताया शायद इसका सिलेबस अलग होगा थोड़ा, तो ये क्वेश्चन है ना अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड है ना, ये वो क्वेश्चन है। और जो नाइन्थ है उसमें पूछा है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपको एक्सप्लेन करना है, तो काफ़ी सिंपल पेपर था, इसे आप अच्छे से देख लेंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं।